टीवी टाउन की दुनिया का सबसे बड़ा विवादित शो बिग बॉस इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं शो के कंटेस्टेंट टास्क के दौरान बेहद ही ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि हाल ही में शो में एक और फाइट देखने को मिली है और ये फाइट है शेफाली जरीवाला और शहनाज गिल के बीच की। जी हाँ, जहां एक और बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को लग्जरी बजट टास्क दिया है, ऐसे में टास्क के दौरान इन दोनों में हो गई कैट फाइट। जी हाँ, टास्क के दौरान शहनाज सैफाली से नाराज हो गई। वहीं आपको ये भी बता दें कि शहनाज चिल्ला चिल्ला कर सभी को ये बता रही हैं कि शेफाली जरीवाला ने उन पर हाथ उठाया है। वेल, देखा जाए तो तमाम सुर्खियां बटोर रही हैं शेफाली इस बात के चलते, लेकिन आपको बता दें कि वाकई में ये सच है। दरअसल इसके चलते शहनाज शेफाली को गुस्से में आकर धक्का मार देती हैं। ऐसे में शहनाज ने तो शेफाली पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि उन्होंने उन पर जोरदार थप्पड़ मारा है। शेफाली इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दें कि शेफाली अपना बचाव करते हुए बार बार कहती नजर आई कि उन्होंने शहनाज को थप्पड़ नहीं मारा है, और ऐसे में तमाम लोग भड़क उठे हैं शेफाली पर। जी हाँ, शहनाज की फैन फॉलोइंग जहाँ एक और बहुत अच्छी है, तो वहीं शेफाली और शहनाज की इस फाइट को देखकर सना फैंस काफी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। वेल फ्रेंड्स, देखा जाए तो गुस्से में शेफाली नजर आई टास्क के दौरान और उन्होंने गुस्से में शहनाज को धक्का मार दिया। ऐसे में वेल फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कि क्या वाकई में शेफाली ने शहनाज पर हाथ उठाया है? वेल, ये आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप सना की साइड है या फिर शेफाली की साइड। तो चलिए, फिलहाल के लिए लेते हैं हम विदा। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशी की रिपोर्ट।